आकाश पहुंचा हुए वहां माही की बर्थडे मनाने के लिए। माही को जरा भी ख्याल नहीं है मेरी फीलिंग्स का। नकाश, अमिता, नकाश! मॉम जी, मैं माही को डिवोर्स देना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया या सारा ने तुम्हारे अंदर ज्यादा ही जहर भर दिया है? अगर कुछ करना है ना तो सारा के खिलाफ करो। इस घर का सुकून बर्बाद करने में उसका ही सबसे बड़ा हाथ है। तुम माही को डिवोर्स नहीं दोगे। उधर क्या देख रहे हो अली, मेरी तरफ देखो। हाय जाना तेरा गम, तेरा गम और हम। माही, अब क्यों आए हो यहाँ? ये बताने के लिए कि अब भी तुम्हारी खुशी अहम है मेरे लिए। ये कहने के लिए कि तुम्हारी खुशी की खातिर दूरी की अजियत सहने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं ये दुख उम्र भर दिल में बसाए खुद को उजाड़ देने के लिए। ये जो तुम कह रहे हो इसको तुम मोहब्बत कहते हो? अरे तुम्हें पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद सोचते हो और खुद फैसला कर गुजरते हो। तुम्हें जो ठीक लगता है उसी को ठीक मानते हो, बाकी जो कुछ भी कह रहा हो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तलाक ही देनी ना तुमने मुझे, वक्त आने पे दे देना। वैसे भी तुम मर्दों के लिए रिश्ते खत्म करना बहुत आसान होता है। इतना ही आसान होता तो आज यहां टूटा ना होता। ये बर्दाश्त कर लूंगा मैं ताकि तुम खुश रहो। माहू, क्या सीन है? तुम अब भी यही कहोगे कि सब ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं तो अब यही कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मायूसी ना ही मेरी डिक्शनरी में है और ना ही मेरे दीन में। डिवोर्स दे रहा है मुझे। दी तो नहीं ना। छोड़ रहा है वो मुझे। छोड़ा तो नहीं ना। कह दिया मतलब छोड़ दिया ना। कहने से अगर छोड़ने लगे ना तो शायद आज पूरी दुनिया ही अकेली होती। माहू, कहना कुछ और होता है और करना कुछ और। उसने कहा है, किया थोड़ी है, और देख लेना वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और तुम्हारी बात का मैं यकीन क्यों करूं? यकीन मेरी बात का नहीं, अपने प्यार का करो। इस प्यार को तुम्हारे दिल में जिस जात ने डाला है उस जात में करो। तुम देखना ना ये बंधन टूटेगा और ना ये रिश्ता। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपना फोन ढूंढने आया था मैं यहाँ पे। तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी दूसरी बीवी सारा ने छुपा के रखा हुआ है।
ओहो, एक और बॉक्स भी था। ये रहा टेबल के नीचे, मैं देता हूँ उठाकर। ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। सारा मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। नकाश का फोन तुम्हारे ज्वेलरी बॉक्स में कैसे आया? मैं तो खुद हैरान हूँ इसे यहाँ देख के, मुझे नहीं पता। सारा! अरे मेरा यकीन करो तुम, ये वो माही ने रखा होगा। बस करो सारा, और झूठ नहीं सुनना मुझे। दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता। अली मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। माय गॉड, क्या है इसमें जिसकी खातिर सारा ने ये फोन छुपाया? ऑन नहीं हो रहा, शायद बैटरी डेड है। मैं बस पावर बैंक में चार्ज करता हूँ। अम्मी, अम्मी अली आए यहाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सब हो गया। अब क्या इरादा है तुम्हारा? वही इरादे हैं अम्मी, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही लौटा दूंगी वहाँ जहाँ पे पहले वाले को पहुँचाया था। मैं अली को माही का फिर से नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, लेकिन न जाने तुम अपने दिल में क्या कुछ लेके बैठे हो मेरे और माँ के खिलाफ। एक लड़की के लिए अपने शौहर को बांटना, उसके प्यार को शेयर करना बहुत अजियतनाक होता है यार। जरा सोचो, माही दिन रात इस अजियत से गुजरती थी, तुम तो उसकी बात सुन नहीं रहे थे और वो सारा मुसलसल उसे टॉर्चर कर रही थी, बचा मैं। तो दोस्त होने की हैसियत से उसकी दम तोड़ती उम्मीदों को सिर्फ सांसें देने की कोशिश कर रहा था यार। और अपने प्यार के इकरार का क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो सिर्फ धोखा था। वो धोखा जो मैंने सारा के एतबार को हासिल करने के लिए उसे दिया। तुम भी उस झूठ को सच समझ बैठे। अगर ये सब कुछ मैंने ना बोला होता ना, तो ये रिकॉर्डिंग्स मेरे फोन में ना होती, तुम ऐसे बैठे ना होते मेरे सामने। मैं बाहर जरूर रहा हूं अली, लेकिन मैं मॉरल्स अपने वैल्यूज को भूला नहीं हूं। भाई पहले सिर्फ मेरी दोस्त थी, लेकिन तुमसे जुड़ने के बाद मेरे लिए और भी रिस्पेक्टेबल हो गई यार। इतना घिरा हुआ नहीं हूं मैं जितना तूने सोच लिया यार। नहीं नकाश, तुम गिरे हुए नहीं, नहीं हो तुम गिरे हुए। शायद मेरी सोच ही भटक गई थी मैं। अरे यार रहने दे सब कुछ, भूल जा, मूव ऑन। तो मेरे सामने ऐसे गिल्टी होने से बेहतर है कि तुम आई के पास जाके, ठीक है ना?
तुम्हें बहुत दुख दिया सर। लंबू खड़ा क्यों है, जाना। काश रुक, ऐसे कैसे जाएगा? ये मेरा भाई। अब जरा अपनी वो किधर स्माइल तो देना। लग रहा है ना चेंगो, माँ ही तो गई। गुड लक ब्रो, सी या। एंड रिमेम्बर, लाइफ इज अ नाइफ। क्यों आए हो यहाँ? माही, मैं तुमसे माफी मांगने आया। माफी तो गलती की मांगी जाती है। तुमने कौन सी गलती की अली? तुम जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो। तुम्हें पता है अली मेरा भरम था, किसी की परवाह नहीं थी मुझे, बस मुझे ये भरम था कि मेरा अली मुझे समझता है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मगर तुमने साबित कर दिया कि वो सिर्फ भरम था। काश अली, काश कि जिस तरह तुम दावे करते थे ना अपनी मोहब्बत की, रत्ती बराबर तुमने मुझ पे भरोसा किया होता। भाई मैं मान तो रहा हूं कि मेरी गलती, मान रहा हूं। मैं कितना रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, अपने किरदार, अपनी क्या क्या सफाइयां नहीं दी मैंने तुम्हें अली। लेकिन तुम तो अपने दिल में मेरे लिए मैल लेके बैठ गए थे। निकाल दिया था तुमने मुझे अपने दिल से, तो तुम अब क्या लेने आए हो, क्यों आए हो? भाई मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकती। जब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, भरोसा नहीं है मुझे तुम पे। तुम प्लीज जाओ, कुछ पता नहीं तुम्हारा कि तुम कब पलट जाओ। जाओ यहां से प्लीज। माही अली जाओ। Leave! हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया। अली मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे, प्लीज मुझे साथ लेके चलो। तुम यहीं रहोगी अब? जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद उस घर में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कामयाब हो गई तुम, समझा तुम? कामयाब हो, माही को मुझसे दूर करने में तुम कामयाब हो गई, और मैं कितना पागल था तुम्हारी बातों में आ गया। उस माही पर शक किया मैं, उस माही पर शक किया जिसके किरदार की मैं खुद गवाही देता था, उसी से उसके किरदार की गवाही लेने चला गया। मुझसे बड़ा भी कोई बेवकूफ होगा क्या जो अपने प्यार को नाराज कर बैठा। मैंने जो कुछ किया तुम्हें पाने के लिए किया, लेकिन मैं क्या करूं, सब कुछ करने के बाद भी तुम निराश हुए। मुझे तुम्हारा प्यार किसी भिखारी की तरह तब तब मिला जब जब तुम माही से रूठे। यही बात तो तुम समझो सारा,
प्यार कोई भीख नहीं जो किसी के भी मांगने पर दे दी जाए। माही नाराज है मुझसे, उसे तो मैं मना ही लूंगा। और तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा। हेलो, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों घूम रही हो टेंशन में? ऑल ओके? खुशी तो तुम्हें बहुत हो रही होगी ना वो माही को अली की नजरों में क्लियर करके। हाँ यार, खुशी तो बहुत हो रही है मुझे, लेकिन तुम्हें पता है मुझे मुकम्मल खुशी कब होगी? जब माही अली के साथ जाएगी। कितना मजा आएगा, नहीं? आई एम सो एक्साइटेड। अली सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है। क्यों नहीं समझते तुम लोग ये बात? अरे सारा रिलैक्स यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में ये बात कब फिट होगी कि तुमने जबरदस्ती शादी की अली से? और वैसे भी जो जगह अली के दिल में माही के लिए है ना, तुम्हारे लिए हो भी नहीं सकती। तो छोड़ो ये सब और थोड़ा खुला हाथ रखो यार, खुदा का वास्ता है। खबरदार जो मुझसे ऐसी बात की तुमने, वरना मैं। रिलैक्स सारा, क्या हो गया, क्या कर रही हो? और वैसे भी इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ होना चाहिए। पता है इससे क्या होगा? रिलैक्स यार, एक तो तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और उन दोनों को भी जरा सुकून सा मिल जाएगा। नहीं, थिंक अबाउट इट। इतनी आसानी से नहीं मरने वाली मैं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो अली माही की जिंदगी से नहीं निकल जाता। ठीक है फिर, जो तुम्हारे जी में आता है वही करो। वो बैठा है ना ऊपर, वो तुम्हारे मुंह पे पलट के वही मारेगा जो तुम डिजर्व करती हो। एंड वन मोर थिंग, लाइफ इज अ नाइफ। क्यों आयो यहां तुम, क्यों आयो? वो एक्चुअली मैं माही से मिलने आया था। माही, माही! अरे यार माही। ये मेरी नई लॉन की कमीज है तो मैं सोची थी टाइट। माही माही माही, ये क्या बात है? क्या है ये बदकमीजी? खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे बोला होगा बदतमीजी की होगी मेरी बेटी के साथ। बहुत आंसू दिए तुम लोगों ने मेरी बच्ची को। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। जाओ और जाके अपनी मां को यह बता दो। अब अगर मजीद एक अजियत भी तुम लोगों की वजह से मेरी बच्ची को पहुंची तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जाओ, तुम्हें तो मैं देखती हूं बाद में। निशान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नकाश, नाराज हो अपने चाचू से? हाँ नहीं, क्या नहीं होना चाहिए नाराज मुझे आपसे? चाचू आप तो जानते थे ना मुझे। एनीवेज सुनो, माफ नहीं करोगे? hmm.
चाचू, एक तो आप इतने लंबे हैं ना, लगता है अब आपसे मिलने के लिए सीढ़ी रखनी पड़ेगी मुझे। वेरी फनी। घर आ जाओ यार। चाचू मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ, और इसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं आपसे नाराज होकर वहां पे आ रहा हूँ। अच्छा लगता है मुझे वहां रहना, मेरा ख्वाब मेरी आंखों के सामने होता है तो अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली रहती है। सिर्फ और सिर्फ यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। श्योर 100% चिल करें चाचू। ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ खिला दें, भूख लग रही है यार। अली, अली। हाँ बोलो, क्या बात है सर? मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। एक बार तो तुम्हें साथ रखे माई को खो चुका, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। अब तुम मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करोगे? हाँ क्या क्या कहा आपने? नाइंसाफी? नाइंसाफी की बात कर रही हैं? वो जो इसने किया वो कहां का इंसाफ है? मेरा बच्चा मार डाला है इसने, क्या ये इंसाफ है आपकी नजर में? या फिर वो जिस तरह से नकाश के साथ गलतफहमी पैदा की माही के लिए, मेरी नजर में ये इंसाफ है? मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं? मैंने केयर की इसकी, इससे शादी की ताकि अपनी जान ना ले ले, और इसने क्या किया? क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरी खुशियां, मेरी माही कोई मुझसे दूर कर दिया तुमने? तुम्हारे प्यार में किया, तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे पाने चली थी तो अफसोस के खो बैठी, मेरी केयर को भी अब कोई कंसर्न नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। कि तुम्हारी बीवी है, इसकी केयर, इसकी जिम्मेदारी, तुम पर फर्ज है। ये फर्ज अदा करते करते मेरी अपनी खुशियां कजा होने लगी हैं। माफी रखे मुझे आप इस फर्ज से। अली, तुम जैसे कहोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो, प्लीज अली। ना तुम बदल सकती हो और ना ही बदलोगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रही ना तो यकीनन मेरी जिंदगी जरूर बदल दोगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कब तक चलेगा ऐसा? कई बार अली तुम्हें बनाने के लिए आ चुका है, अगर तुम हो कि अम्मी जान उसने जितना मुझे रुलाया है, उससे इतना सा नाराज भी नहीं हो सकती कि मैंने तुम्हें कब मना किया है माई अपनी नाराजगी दिखाने से? मेरी वो खुशी हो माई जिससे मैं अपनी बेवकूफियों की वजह से रूठ रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं इस कदर चाहता हूं तुमको, तो बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि तुम्हारी ये नजर किसी और के लिए उठे। नहीं सह सका तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट की वजह कोई और है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं तुम्हारे चेहरे पर जब रंग खेले तो उनकी वजह सिर्फ मैं हूं। मेरी चाहत गलत तो नहीं थी ना माई? अगर तुम अभी मुझसे नाराज रही तो ये मुझ पर जुल्म होगा, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा माई। अली आओ माई, हम एक नया आगाज करते हैं अपनी मोहब्बतों के नए रस्तों, नई मंजिलों। तुम दोगी मेरे साथ? अली
हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया है, आगे भी तुम और भी। वहां लावारसों की तरह मरने से बेहतर है कि मैं यहां मरूं अपनों के बीच में। तुम सिर्फ ये बताओ कि कितना वक्त है मेरे पास। मैं कॉल करता। किससे बात कर रहे थे? किससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास कितना वक्त है? कुछ नहीं, वो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि मेरे पास कितना वक्त है प्रोजेक्ट के लिए। मतलब झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है तो खाओ मेरी कसम। मेरी कसम खा के बताओ किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर से बात कर रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें? नकाश क्या हुआ है तुम्हें? कैंसर, लिवर कैंसर है। फिर तुम्हारा कोई गंदा मजाक नहीं पसंद मुझे तुम्हारे ये मजाक। काश ये मजाक होता माहू, पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी सच यही है। जब से मुझे पता चला था मेरी बीमारी के बारे में, मुझे मेरी जिंदगी की असली कीमत का अंदाजा हुआ। उससे पहले तो मैं बस अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जब से मुझे पता चला माओ कि मुझे कैंसर है ना, मैंने अपनी जिंदगी को खुल के जिया। कैन प्लीज इग्नोर दिस, डिलीट कर दो। माहू प्लीज किसी से कहना मत यार। डॉक्टर्स ने क्या कहा है तुम्हारी ट्रीटमेंट के बारे में? डॉक्टर्स फाइनल स्टेज है। वो क्या कहे? मेडिसिन सिर्फ मेरा दर्द कम कर सकती है, मेरे मर्ज का इलाज नहीं। जो पिछले दिनों में बताए बगैर गायब हो गया था इसी सेंस में नहीं था। डॉक्टर्स कह रहे कुछ नहीं हो सकता, चलती सांसें कभी भी रुक सकती। तभी तो मैं यहां पर आ गया अपनों के बीच में। मरूंगा तो यहां मरूंगा, कम से कम यहां पर कुछ अपनों का कंधा तो नसीब होगा। बस कर दो यार, मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ। अपने की मरने के बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात ही नहीं है। माओ क्या हो गया तुम्हें यार? मैं मरा थोड़ी हूं, अब उसे क्यों ऐसा रो रही हो? लाइफ इज अ लाइफ। तुम्हें पता मैं लाइफ इज अ लाइफ क्यों कहता हूं? जिंदगी एक छुरी है, हमारा हर पल, हमारी रातें, हमारा दिन सब काटती रहती है। फर्क यह है कि मेरी छुरी जरा ज्यादा तेज है। हम सबको मरना है, आग पीछे जाना है, लेकिन मैं थोड़ा पहले चला जाऊं। I'm gonna miss you, man. माही, अरे माहू, अली तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझसे इस घर में रहने का हक तो मत छीनो। यह हक मैंने नहीं, तुमने खुद अपने आप से छीना। और मैं तुम्हें आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ माही के। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी औलाद खोई है, दोबारा से गृहस्थी ले सकता। मुझसे गलती हो गई,
मैं बदल गई हूँ, मेरा यकीन करो। मैं मानती हूँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अली। तुम्हें एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात है अपनी गलती का, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि मैं तुम पर यकीन करके दोबारा से गलती करूंगा। तुम बस जाओ यहाँ से। जरा रहम नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा मुझे तुम पर रहम। तुम्हें रहम आया तो उस मासूम की जान लेते हुए सोचा था हमारे बारे में एक बार भी। मैं मान तो रही हूँ गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे मानने से न वक्त पलट सकता है और न ही तुम्हारी गलती दुरुस्त हो सकती है। ये तो मेरे जुड़े हाथ, आई एम सॉरी। नहीं देखना मुझे, ना तुम्हारे जुड़े हाथ और ना ही तुम्हारी शक्ल। चलो यहाँ से। अली, अली, अली छोड़ो मुझे, मुझे अपने साथ लेके जाओ। मुझे अपनी बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं। इसको समझा दें कि अब यही रहेगी और उस घर में इसकी कोई जगह नहीं। बेटे मैं जानती हूँ इससे बहुत ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज एक बार इसे अपनी गलती सुधारने का मौका तो दे दो। नहीं, मैं इसे अपनी खुशियों से खेलने का अब दोबारा मौका नहीं दूंगा। आप भी समझ लें खुद और इसको भी समझा दें कि अब यही रहेगी। अली, क्या तुम्हारे दिल में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? जरा सी भी नरमी नहीं है मेरी बेटी के लिए? इसने मेरे दिल को सख्त खुद ही किया और मुझ पर सिर्फ माही का हक है। मैं भी बराबर की हकदार हूँ तुम्हारे प्यार में। नहीं हो तुम बराबर की हकदार। हूँ मैं अली, हूँ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। शादी की है तुमने मुझसे। गलती हो गई मुझसे तुम्हें अपना कर। बिल्कुल ठीक किया है तुमने, ये मेरी बेटी है, लेकिन जो भी इसने किया गलत किया है और तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जानते हैं आप ये अली क्या कर रहा है? आपकी बेटी को घर बिठाने की बात कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसे यही करना चाहिए। तुम जैसी माँ जिसकी हो ना, वो किसी का घर बसा नहीं सकती बल्कि दूसरों का घर बर्बाद करती है। यही सब सोचकर मैंने ये स्टेप लिया। मां अली, तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया। मेरी तरह घर बर्बाद नहीं किया, वक्त जाया नहीं किया। और आपसे तवक्को भी क्या की जा सकती है? जब अपने ही दुश्मनी पर उतर है तो फिर क्या हासिल? चलो यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हारी दाद नहीं सुनेगा। अली, चलो, चलो अली। वेल गाइस, जैसा आपको पता है कि ऑर्फनेज की जो कंप्लीशन की डेडलाइन है वो चेंज हो चुकी है। हमने एक से डेढ़ महीना अब जल्दी इसको खत्म करना है। तो मिस माइन हेड कर रही है इस प्रोजेक्ट को, तो अली अवेयर है इस चीज़ से, तो हमें मैन पावर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी बजट का कोई इशू नहीं है इतना, तो आप लोग आकाश Everything okay? Yeah, everything is okay, यार। मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम लोग क्लास के नालायक बच्चों की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे हो। Really sorry यार। Continue करो। अरे नहीं नहीं ब्रो यार। मैं अभी जरा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मिस माही जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगी। मैं जरा आता हूँ, मुझे थोड़ा काम। माओ भाई, क्या बात है? सब ठीक तो है? परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक।
सॉरी गाइस, मैं मीटिंग ऐसे छोड़ के चला गया। अच्छा ब्रो, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे आज इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अरे यूं अचानक तुमने प्लान बना लिया? हाँ, वो डैड की प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद वाली, वो सेल आउट हो रही है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने जाना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। माहो ब्रो, तुम लोग मुझे संभाल लेना यार। हाँ जरूर। ठीक है ना, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय माहो। क्या हो गया इसको एकदम से? कहाँ जा रहे वाही? नकाश, नकाश, इस्लामाबाद नहीं जा रहा हूं, शायद घर पे ही रुकूंगा। ये सब अब मजीद मुझसे कंटिन्यू नहीं होगा यार, इसलिए मंदिर से गायब हो। माहू, तुम घर आ सकती हो? प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तुम्हें हैंड ओवर करने थे, इसीलिए मैं चाहता था किसी को पता ना चले। बहुत कई दिन मुकर्र है यार, लेकिन यूं अपने प्यारों की आंखों में अपने लिए रोज मौत देखना मौत से भी ज्यादा दुख देता। माहू स्टॉप क्राइंग यार, रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं मुझे, प्लीज स्टॉप क्राइंग यार मेरे लिए। तेरा गम